गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टॉपिक को हम आज समझेंगे। ये जो टॉपिक है, टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कंप्यूटर किससे बना होता है। कंप्यूटर सबसे पहले बना होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर और कंप्यूटर किससे बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक। हार्डवेयर किसको कहेंगे और सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है? फिजिकली आपको दिख रहा है ना, हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट हैं जिनको आप फिजिकली देखते हो। एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, आपका सीपीयू आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये सब क्या है, हार्डवेयर हो गए, ठीक। सीपीयू की चिप हो, रैम चिप है, रोम चिप है, ये सब क्या है, आपके हार्डवेयर के पार्ट हैं। अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, है जिसको हम सॉफ्टवेयर को कैसे महसूस करते हो आप? अच्छा, सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हो, ठीक है। सामान्यतः सॉफ्टवेयर बेसिकली आप मॉनिटर पे उसकी कोडिंग आपको दिख जाती है, ठीक है। मॉनिटर पे सॉफ्टवेयर की कोडिंग आपको दिख जाती है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो कहाँ इंस्टॉल्ड होता है, सॉफ्टवेयर है कहाँ पे? या तो आपके हार्ड डिस्क में रहता है ना, या आपके रोम में है। रोम में भी मैंने बताया था ना, कुछ प्रोग्राम पहले से लिखे हुए हैं, हार्ड डिस्क में है। और सॉफ्टवेयर कहाँ होता है, मेन मेमोरी में होता है। तो मेन मेमोरी में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। सॉफ्टवेयर किस फॉर्म में, कोडिंग में है, मशीन लैंग्वेज में है। मैंने आपको हर चीज़ बताई, कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर रहती है भाई, आप या तो चुंबकीय रूप में उसको स्टोर करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करेंगे। पेन ड्राइव में किस तरीके से स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी का एग्जांपल था पेन ड्राइव, है ना। ईईपीरोम का एग्जांपल था, है ना, फ्लैश मेमोरी। तो वहाँ इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, मैग्नेटिक फॉर्म में। अगर आपकी हार्ड डिस्क एचडीडी वाली है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो एसएसडी वाली है, तो ये वापस आपके फ्लैश मेमोरी में आ जाती है। पेन ड्राइव जिस तरीके से होती है, मेमोरी कार्ड जिस तरीके से होता है, उस टेक्नोलॉजी पे, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मतलब इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर भी अगर लिखा हुआ है, या लिखा हुआ मतलब इंस्ट्रक्शंस हुए, इंस्ट्रक्शंस को भी इंटरनली कंप्यूटर किस फॉर्म में रिकॉर्ड करता है, 01 01 01 01 को भी किस फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या चुंबकीय फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में। 01 01 को भी किस तरीके से स्टोर करता है, मैग्नेटिक फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक। यहाँ आ जाएं आप, सॉफ्टवेयर बेसिकली कहाँ रिकॉर्डेड है, सॉफ्टवेयर कहाँ लिखा हुआ है, मेमोरी में है आपके। सॉफ्टवेयर कहाँ है, मेमोरी में है। सॉफ्टवेयर कहाँ लिखा हुआ है, मेमोरी में, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर को अगर हम कहें, सॉफ्टवेयर को अगर हम डिफाइन करें, तो सॉफ्टवेयर में क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, यही है। सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और बहुत कुछ जो लिखा हुआ है वो क्या चीज़ है,
प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। क्या लिखा हुआ है? प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। अब हमें ये बताएं, पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, दूसरा प्रोग्राम क्या है और तीसरा सॉफ्टवेयर क्या है। पहला इंस्ट्रक्शंस क्या है, दूसरा प्रोग्राम क्या है, फिर प्रोग्राम के बाद सॉफ्टवेयर क्या है। अगर आप इन तीनों को कहेंगे, वो तीनों जो आप डेफिनेशन दे रहे थे ना, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये तीनों को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते आप, अब ये बताएं इनमें फ़र्क क्या है। हाँ, चलो हम स्टेप बाय स्टेप वापस से आ जाते हैं, यहाँ समझे आप। कंप्यूटर को सबसे छोटा कमांड या निर्देश क्या कह जाएगा? इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे छोटी इकाई रूप में जो आप दे रहे हो, जैसे मैंने लिखा कमांड प्रॉम्प्ट पे DIR सी ड्राइव ठीक। मैंने एक, ये क्या है, एक एग्जांपल है इंस्ट्रक्शन का। DIR क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन। आगे के बाद समझ में, एक छोटी इकाई के रूप में आप जो निर्देश दे रहे हो, सबसे छोटी इकाई एक होगी ना, उसको आप क्या कहोगे? इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद हम आगे बढ़ें प्रोग्राम क्या होगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप क्या कहोगे? प्रोग्राम कहोगे। जब आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ बना लेते हो, उसको सेव कर लेते हो, कैसे? उसका एक एग्जांपल देंगे हम। मैंने एक एग्जांपल लिया, ये क्या बनाया? मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने ए की एक वैल्यू दी है, बी की एक वैल्यू दी है, और इसको सी ले लो और प्रिंट सी करवा लो। ठीक, ए प्लस बी की वैल्यू किस में आ गई? सी में आ गई, और क्या कराया मैंने? सी को प्रिंट कराया। तो ये क्या है? एक प्रोग्राम का एग्जांपल है। ये प्रोग्राम का एग्जांपल कैसे है? ये प्रोग्राम है, ये कैसे है प्रोग्राम? हाँ, क्योंकि आप एक, ये अगर सिर्फ आप ये लिखते हो तो ये क्या है? एक इंस्ट्रक्शन। ये लिखा, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन। ये लिखा ए और बी को प्रेस करना, ये तीसरा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद उसको मुझे प्रिंट करवाना, ये चौथा इंस्ट्रक्शन। तो एक प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। तो प्रोग्राम क्या होगा? सेट ऑफ क्लियर हो गई क्या बात? इंस्ट्रक्शन क्या है? एक इकाई निर्देश। इंस्ट्रक्शन क्या है? एक इकाई निर्देश। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फिर आपके सॉफ्टवेयर क्या है? बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उसमें। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, है ना। एमएस ऑफिस में तो अलग अलग सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है ना।
स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप लो एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम, जैसे या तो विंडो का एग्जांपल लो या एमएस वर्ड का एग्जांपल लो, ठीक है। एमएस वर्ड का हमने एग्जांपल लिया, तो एमएस वर्ड क्या है? एक प्रोग्राम से बना हुआ सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड किसका एग्जांपल है? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में बहुत से प्रोग्राम्स होंगे। बहुत से प्रोग्राम कैसे होंगे? फॉर्मेटिंग के लिए अलग प्रोग्राम बना होगा बैकग्राउंड में, ठीक है। इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, पेज जोड़ने के लिए, पेज हटाने के लिए, ठीक है, टेबल इंसर्ट करने के लिए, सम करने के लिए। तो एक सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? बहुत से प्रोग्राम होते हैं। क्योंकि एमएस वर्ड की ही बात निकली है, तो एमएस वर्ड किसका हिस्सा है? पहले तो चलो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ले गए। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में क्या लोगे आप? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जो स्पेशल पर्पस के लिए बने होंगे। जैसे सॉफ्टवेयर आपका एमएस वर्ड है, तो एमएस वर्ड किसी न किसी स्पेशल पर्पस के लिए बना हुआ है। विंडोज़ है तो किसी न किसी पर्पस के लिए बना हुआ है। तो उसमें सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे कर लिए ताकि वो उस पर्पस को सॉल्व किया जा सके। क्लियर होगी बात? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एमएस वर्ड का एग्जाम्पल हमने लिया। एमएस वर्ड किस में आता है? एमएस ऑफिस के पैकेज में आता है। एमएस वर्ड किस में आता है? पैकेज में आता है। तो पैकेज में क्या मिलेंगे आपको? क्या क्या पैकेज में आता है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस में जिसे आप क्या कहते हैं? पैकेज, या इसे कहा जाता है एमएस ऑफिस सूट। पैकेज कहते हो या इसको सूट भी बोलते हैं, ठीक है। इस पैकेज में क्या क्या आता है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। तो एमएस ऑफिस के पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये दूसरा सॉफ्टवेयर है। तो पैकेज में क्या मिला? सॉफ्टवेयर का भी सेट मिला। पैकेज या सूट में आपको क्या मिला? सॉफ्टवेयर का सेट मिला। एक पैकेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर दे दिए गए आपको। आगे बात समझ में? कहाँ से शुरुआत करी थी हमने? सबसे छोटी इकाई एक इकाई रूप में आप कमांड दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो वो क्या कह जाएगा? इंस्ट्रक्शन। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कह रहे हैं? बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके क्या बना रहा है? सॉफ्टवेयर। फिर क्या बना रहा है? पैकेज, ठीक। आगे बात समझ में? तो इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और पैकेज। क्लियर यहां तक? फिर इसके बाद हम देखते हैं सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं बताएं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं? कौन कौन से? सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं बताएं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप बता सकें तो बताएं, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर है लेकिन उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली किसको कहते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं या हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका नाम ही क्या है? कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के सिस्टम को जो इंटरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे हम? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब दूसरे वाले पार्ट में आ जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे हम? हर काम को आसान बना दे जो ये तो एक यूं पूछें कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं, तो आप कह सकते हैं कंप्यूटर हर काम को आसान बना देता है। ये नहीं होगी सही डेफिनेशन इसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ हद तक कह सकते हो। भैया मैं वर्ड प्रोसेसिंग करना चाहती हूँ, एमएस वर्ड उसको आसान बना देगा, कुछ हद तक कह सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली हम किसको कहेंगे? जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया है। एमएस वर्ड किस विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया है? वर्ड प्रोसेसिंग को। एमएस एक्सेल किसको कौन से विशेष कार्य को? शीट बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, तो एमएस एक्सेल उसके लिए बनाया गया है। इसी तरीके से एमएस एक्सेस किसके लिए बनाया गया है? डेटाबेस टेबल्स को बनाने के लिए, डेटा को टेबल के रूप में इकट्ठा करके काम करने के लिए, ठीक है। पावर पॉइंट किसके लिए बनाया गया है? पावर पॉइंट किसके लिए बनाया गया है? प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के रूप में पीपीटी आप तैयार करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल बताएं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के। हाँ है, ये भी हैं। और बताएं, टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसके लिए बनाया गया है? अकाउंटिंग के काम को आसान बनाने के लिए। पर्टिकुलर किसी एक विशेष विशेष कार्य को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको क्या कहेंगे हम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए गए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? विशेष कार्य को करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे एमएस वर्ड किसके लिए बनाया गया है? वर्ड प्रोसेसिंग के कार्य को करने के लिए बनाया गया है। वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है इसको। वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य क्या है? जो आपने टेक्स्ट लिखा उसके फॉन्ट बड़े करना, उसके फॉन्ट छोटे करना, पैराग्राफ को सेट करना, दो पैराग्राफ के बीच में लाइन बनाना, अंडरलाइन करना, ये सब क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। इस तरीके के कार्य किस में किए जाते हैं? एमएस वर्ड में किए जाते हैं। और एग्जाम्पल टैली का हमने एक एग्जाम्पल किया था, ये अकाउंटिंग के कार्य को करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। फिर एक एग्जांपल और ले सकते हो, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं कई, है ना, एमएस एक्सेस हो गया, या एक पहले सॉफ्टवेयर आया करता था डीबीएमएस, ओरेकल, जावा लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर नहीं है, जावा एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज की मदद से आप प्रोग्राम टाइप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को बना सकते हो। बात समझ पा रहे हो क्या?
हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रधान आजकल तुम बहुत बातें करने लग गए हो, आगे यहाँ ध्यान दो, ठीक है। यहाँ ध्यान दें, है ना। तुम लोगों को क्या कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं आएगा? फिर और वीडियो में अभी रिकॉर्डिंग होगी, हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, तुमको डांटे हैं वो रिकॉर्डिंग सारी दुनिया सुने। मैं बोलना ही नहीं चाहती, अब नहीं डालूंगी ये रिकॉर्डिंग हो तो क्या। है ना, तो आप थोड़ा सिंसियर रहो। मैं कई बार इशारों से कहती हूँ मत बोलो, बीच में मेरे को डिस्ट्रैक्ट होता है, पर तुम मानते ही नहीं हो, बोलने में मजबूर कर रहे हो। अब रिकॉर्डिंग में जाएगा ये सब कुछ, कटवाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ तक थे? सॉफ्टवेयर तो लिखा हुआ है, शुरुआत से बताओ कहाँ से चालू किया। कंप्यूटर, कंप्यूटर के दो पार्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो जिसको आप फिजिकली टच कर रहे हो, सॉफ्टवेयर वो जो फिजिकली टच नहीं होगा लेकिन मेमोरी में सेव्ड है ना, मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर हमने लिया सॉफ्टवेयर के प्रकार, है ना, और उसके साथ साथ मैंने सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ें बताई आपको। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बाद पैकेज, ठीक है। इकाई कमांड दे रहे हैं, इकाई निर्देश दे रहे हैं, है ना। एक सबसे छोटा तो इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम, और प्रोग्राम्स का सेट क्या क्या कहेगा, सॉफ्टवेयर, है ना। और सॉफ्टवेयर अगर डिफरेंट डिफरेंट पैकेज के रूप में दिए जाएँ, अगर अगर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन बना के आपको दिया जाए कि ऑफिस में काम आपका आसान हो जाए, तो ऑफिस उसको क्या कह रहे हैं, एमएस ऑफिस, जिसमें आपको क्या क्या दे दिया गया, एमएस वर्ड दे दिया गया, एक्सेल दे दिया गया, पावर पॉइंट दे दिया गया और एमएस एक्सेस दे दिया गया, ठीक है। फिर हमने सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा। सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल लेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एग्जाम्पल आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर हम जाएं तो कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटी प्रोग्राम। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, कुछ किताबों में यूटिलिटी प्रोग्राम को तीसरा कैटेगरी बना रखी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा बना रखा है क्या, यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो कुछ किताबों में ऐसा दे रखा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ किताबों में दो भागों में बांटा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हैं जो कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं जो विशेष समस्या को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं, विशेष कार्य को करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे एमएस वर्ड किसके लिए बनाया गया है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है। आगे बात समझ में। अब हम आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिवाइस ड्राइवर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने आपको पहले भी बताया, एक कार्य हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ चलो ठीक है मैं बताती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है।
कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं तो सबसे पहले लोड होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर से जो भी काम करवाना है उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो क्या चाहिए आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं वो क्या काम करता है? कंप्यूटर के सारे जो डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करेगा, सारे कार्यों को मैनेज करेगा, प्रोसेसेस को मैनेज करेगा, प्रोग्राम्स को मैनेज करेगा, है ना, फाइल्स को मैनेज करेगा, डिवाइस को मैनेज करेगा। ये सारे काम करता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर ऑन होते ही सबसे पहले कंप्यूटर को जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अति आवश्यक है, ठीक है। तो आप जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हो तो विंडोज सबसे पहले क्यों आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आप एमएस वर्ड खोल सकते हो। कभी ऐसा हुआ कि विंडो नहीं खुला आपने सीधा एमएस वर्ड खोल लिया हो? नहीं होता ऐसा, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये कंप्यूटर का हार्डवेयर, उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद आएगा आपके यूजर, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑन होते ही सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए उसको? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा? विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। फिर आपके ये डिवाइस ड्राइवर क्या है इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, कल वापस पढ़ेंगे। डिवाइस ड्राइवर क्या है? जैसे आपको कोई हार्डवेयर दूसरा कंप्यूटर से चलाना है, प्रिंटर आपको चलाना है, तो प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, तभी आप कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को चला पाएंगे। किसी भी हार्डवेयर को कंप्यूटर से चलाना है तो उस हार्डवेयर के लिए, प्रिंटर के लिए एक डिवाइस ड्राइवर चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर चाहिए जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा, तभी आप प्रिंटर को ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, ठीक है। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। आप लिखते हो जावा में या सी में, ठीक है, या उसके पहले जो लैंग्वेज चलती थी, असेंबली चलती थी, किसी भी लैंग्वेज में जो लिखा गया है उसको कन्वर्ट करने के लिए जो बीच में ट्रांसलेटर लगाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के भी कुछ प्रकार हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ठीक है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझा गई। फिर आ जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के सहायक प्रोग्राम हैं। ये डिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे स्कैनडिक्स प्रोग्राम चलाते हो आप, है ना, डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम चलाते हो, या एंटीवायरस प्रोग्राम चलाते हो, ये क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, है ना। इसलिए ये क्या है? सहायक प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सहायक प्रोग्राम है, क्योंकि ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं इसलिए इसको सिस्टम में डाला हुआ है, और कुछ किताबों में इसलिए इसको अलग से डाला हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद या सिस्टम से बाद में सहायक हमें ज़रूरत हो तो सहायता गए, ज़रूरत ना हो तो ना गए, तो उनको अलग से भी डाला हुआ है, ठीक है। तो क्लियर हुए? बंद कर दो उसको।